Hey everybody, so in this video we are gonna talk about why you should learn sales. आपको sales को क्यों सीखना चाहिए, selling skill क्यों develop करना most important है आपकी life के, आपके life में, ठीक है, और लोग क्यों नहीं कर पाते उस पर भी हम बात करेंगे, और आपको क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. So guys, watch the complete video so that कि आपको वो पूरी value, पूरा knowledge, पूरा information मिल पाए और आप अपने life में एक drastically change लेकर आओ. So guys, welcome back here again आपका इस YouTube channel में, और मैं sure आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो वीडियो को. So guys, बिना देरी करते हुए हम वीडियो पे जंप करते हैं, और पहले हम बात करते हैं एक्चुअली सेलिंग का मतलब होता क्या है. सी गाइस, सेल्स का मतलब बहुत सिंपल होता है, सेल्स या सेलिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है. सेल्स का मतलब होता है एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज, या फिर एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज या मोर देन टू बॉडीज. अभी एक्सचेंज किस चीज़ का हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है मनी का, या फिर वैल्यू का, या फिर आपका थॉट्स, आइडियाज और वड़ी से प्रोडक्ट, सर्विस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. जब चीज़ों का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू बॉडीज या फिर मोर देन टू बॉडीज, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्स हो रहा होता है. आप अपने आसपास देखो, ठीक है, हर एक चीज़ चाहे आपके आसपास कोई, जिसमें आप फ़ोन देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन, या फिर लाइक आप जिस चेयर पे बैठे हो, वो चेयर किसी ना किसी पर्सन ने आपको सेल किया है, आपने उसको पैसा दिया है और उस पर्सन ने अर्निंग किया है, ठीक है. आप लाइक उन्होंने आपको सेल किया, चाहे आपके पास आसपास कोई बुक है, कोई फ्रिज है, कोई टेबल है, चेयर है, फैन है, ठीक है, हर एक बंदे ने आपको सेल किया है. थोड़ा सा अगर रूम से बाहर निकलो, अपने बाहर जाओ, कोई बंदा दूध सेल कर रहा है, कोई बंदा लाइक किसी ने जूते की दुकान खोल रखी है, एवरीवन इज सेलिंग. अपने आसपास देखो, कोई भी पर्सन, हर एक बंदा सेल कर रहा है. अब हर एक बंदा कैसे सेल कर रहा है, चलो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं. सी गाइस, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर दुनिया में सेल्स नहीं होगा ना, इकोनॉमी पूरा जरूरी हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा. अगर दुनिया में सेल्स है, अगर दुनिया में सेलिंग है, दैट्स वाई ये पूरा वर्ल्ड चल रहा है. सेल्स या सेलिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला. हर एक यूट्यूबर जो कि वीडियोस बनाता है, वो अपनी वीडियो को सेल कर रहा है. जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आपको ये वीडियो सेल किया, एक तरह से आप उसको देख रहे हो, ठीक है. मैं क्या ले रहा हूँ, आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा हूँ और मैं ये वीडियो आपको सेल कर रहा हूँ. सेकंड चीज़ क्या है, हर एक पर्सन चाहे वो बच्चा है सबसे बढ़िया सेल्स पर्सन होता है. बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है कि मुझे चॉकलेट खानी है. वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए. वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है मुझे ये वाली वॉच चाहिए. तो हर एक बंदा जो कि दुनिया में है, जो कि उस वर्ल्ड में है, एवरीवन इज सेलिंग. एक टीचर अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना आइडिया अपने स्टूडेंट्स को सेल करता है और स्टूडेंट्स उसको पैसे देते हैं. एक कॉलेज वाला, कोई जो कॉलेज है, कॉलेज क्या करता है, एक स्कूल क्या कर रहा है, ठीक है. आपके फादर क्या कर रहे हैं, वो आपके पास उनके पास जो स्किल्स है वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स वो सेल कर रहे हैं किसी ऑफिस को, फिर वो ऑफिस वाला उनको पे कर रहा है. तो दुनिया के अंदर Everyone is selling. अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो कि मुझे पिकनिक जाना है, मुझे पिकनिक पर जाना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे ट्रिप पर जाना है, अगर आपके पेरेंट्स मान गए, आपने कहीं ना कहीं उनको अपना आइडिया सेल किया. सेकंड चीज़ ये, जो कि स्टार्टअप्स लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग ना अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर जाते हैं VCs के पास. तो वो लोग क्यों फंडिंग नहीं मिलती उन लोगों को, जस्ट बिकॉज वो लोग अपना स्टार्टअप आइडिया उनको सेल नहीं कर पाए, इस वजह से उन लोगों को फंडिंग नहीं मिल पाती. तो अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आना चाहते हो, ठीक है, लाइक बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, सो सेलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर यू. बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके लाइफ में ना, आपके घर में लड़ाई हो रही होती है सिस्टर के बीच में, मदर के बीच में, या फिर आपके सिस्टर के बीच में, ठीक है, तो आप कुछ आते हो, कुछ बातें बोल देते हो, वो लड़ाई छूट जाती है. सेल्स इज अबाउट कि अंडरस्टैंड करो कितने पर्सन को, आप उस पर्सन को कितना अंडरस्टैंड करो, फिर आप अपनी तरफ से क्या बोल रहे हो, ठीक है, मतलब आप कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से कर रहे हो, अपनी बातों को सही तरीके से रख पा रहे हो और सामने वाला बंदा आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है और उससे बीच में बिल्कुल क्लैश नहीं हो रहा है. वहाँ पे एक्सचेंज इसका हो रहा है आपके पॉजिटिव आइडियाज़ का, और वो बंदा अपना टाइम दे रहा है आपको और उस पॉजिटिव आइडियाज़ को कंज्यूम कर रहा है. यहाँ पर भी सेलिंग हो रही है. ठीक है, बहुत बार ना घर में ऐसा होता है कि घर वाले हमारे लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे सिस्टर की, या फिर आपके बीच में बातों में क्लैश हो रहा है, या फिर मम्मा के, या फिर सिस्टर के बीच में, या फिर फैमिली में कुछ बातें हो रही होती हैं. एक समझदार बंदा आता है, वो अपनी बातों को सही तरीके से रख पाते हैं वहां पे, तो कहीं ना कहीं उस बंदे ने अपनी बातों को, अपने थॉट्स को सेल किया, ताकि वहां पे वो वाला क्लैश ना हो. अगर आपने सुन रखा है, क्या नाम है, हिटलर के बारे में, अपने वो स्पीचेस के थ्रू लोगों को ना लाइक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते थे अपनी तरफ, ठीक है, और वो एक अथॉरिटी होती थी उनकी वहां पर, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक सेलिंग स्किल थी. अगर मैं बात करूं ओबामा की, जो कि एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर माने जाते हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं एक सेलिंग स्किल थी. ठीक है, सेलिंग स्किल के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपको किन किन चीजों पर काम करना चाहिए. बट द थिंग इज, मैं इस वीडियो में बस आपको ये बताना चाहता हूं कि सेलिंग ना आपकी लाइफ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक वो कैसे है, सेल्स जो है आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे है, आपको क्यों सेलिंग सीखना चाहिए, और अगर आप सीख नहीं रहे हो,
मेरे भाई मेरे बहन, स्टार्ट टू तो सीखना, कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ से सीखना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने बहुत सारी सेल्स की वीडियो बना रखी है और बहुत सारे सेलिंग के कोर्सेज भी आते हैं, आप उनको ले सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, आप उनको भी ले सकते हो, ठीक है। और कहते हैं जब आप सेल्स करना चालू करते हो, जब आप अननोन लोगों से बातें चालू करते हो, वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी इंक्रूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीज़न थे जो मैंने आपको दिया कि आपको सेलिंग क्यों कर सीखनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो कि आप हर एक कॉन्वर्सेशन को, ठीक है, अपने हाथ में कर पाओ, या फिर हर एक जगह पे आप अपने बातों को रख पाओ सही तरीके से, ठीक है, या फिर अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड कर पाओ, यू नीड टू लर्न सेल्स, ठीक है, ये ज़रूरत है आपको सीखने की, भाई सिंपल सी बात है, और उसको सीखो सही तरीके से। और ठीक है, आप, मैं रियली बोल रहा हूँ, जब से मैंने सेल्स को सीखना चालू कर रखा है ना, मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मैं देखता हूँ फैमिली में कोई बात हो रही होती है ना, मैं कॉन्वर्सेशन को ना अपनी तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियली मुझे कोई काम करवाना होता है ना, मैं कुछ बातें बोल कर अपने सिस्टर से मैं काम करवा लेता हूँ, किसी और पर्सन से, ठीक है। और ये चीज़ें मेरी फैमिली वाले भी ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज़ें मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, और ये एक बेस्ट पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं ग्रो करो, तो सेलिंग लाइक की बहुत अमेजिंग है। अगर आप सेल्स सीख जाओगे ना, और अगर आपको प्यार हो गया सेल्स से, मैं बता रहा हूँ, फिर मज़ा ही आ जाएगा भाई, सीरियसली। और आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपने 12th पास कर लिया ना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई लाइक सेल्स करना स्टार्ट करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाओ, चाहे नेट मार्केटिंग में आ जाओ, जस्ट सेक ऑफ मनी नहीं, पैसे के लिए नहीं, बस ये देखो कि यार मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं सेल्स स्किल को लर्न करना चाहता हूँ। और जब आपको वो वाला इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग ग्रो करना चालू कर देते हो। सो गाइस, ये कुछ रीजंस थे जो कि हैं कि आपको सेल्स स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए। एंड गाइस, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं कि आपको सेल्स क्यों सीखनी चाहिए। सेलिंग ही आपका इकोनॉमी को रन कर रहा है, अगर सेल्स नहीं होता ना, इकोनॉमी कुछ भी नहीं होती भाई, ज़ीरो होती, ठीक है। हर एक पर्सन, हर, आप किसी का भी नाम ले लो यार, लाइक अगर मैं यहाँ ये बोर्ड, लाइक ये पर्दा, लाइक ये टी शर्ट, ये माइक, ये वीडियो क्या फोन है ये, ठीक है, यहाँ पे फैन रखा है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, रिंग लाइट, किसी ने सेल कर रखा है किसी को, मतलब मैं मुझे ही सेल कर रखा है, ठीक है, राइट ना। मैंने बोला मैं वीडियो सेल कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अपना टाइम दे रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस। सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल, और ये बहुत लाइक सीख लो भाई, सिंपल सी बात है, मैं क्या ही बोलूँ उसमें, ठीक है। सो ऑल दैट गाइस, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। और अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या फिर आप B2B कर रहे हो, तो आपको सामने वाले पर्सन को ये अंडरस्टैंड कराना पड़ता है कि भाई सेलिंग आपका इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप ये सारे पॉइंट को यूज़ करके उसको बता सकते हो, उसको एजुकेट कर सकते हो कि वाई यू शुड लर्न सेल्स। So all it guys, thank you so much, keep running, keep going, and best of luck for the day guys, and as always keep smiling। कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसे लगी, और मेक श्योर कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और घंटा दबा दो, और जो करना है गाइस सब कर दो। थैंक यू सो मच, कीप रनिंग, कीप गोइंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे गाइस, एज ऑलवेज कीप स्माइलिंग।